ये ध्यान सूत्र है। मेडिटेशन प्यूरिफाइज एंड बैलेंसेज बोथ यिन एंड यांग एनर्जीज। ध्यान यिन यांग ऊर्जाओं में संतुलन लाता है और उन्हें शुद्ध करता है। यिन यांग ऊर्जाएं, ये सूत्र में ताओ दर्शन की भाषा का उपयोग किया गया है। ताओ दर्शन हम स्त्री पुरुष ऊर्जा के लिए यिन यांग का उपयोग करते हैं। ऐसे हम देखें, इनका तात्पर्य मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी से है, स्त्रैण और पुरुष ऊर्जा। व्यक्ति इन दोनों ऊर्जाओं से बना हुआ है, उसके भीतर इन दोनों का संतुलन चाहिए। स्त्री और पुरुष ऊर्जा का, ये स्त्री शरीर और पुरुष शरीर से संबंधित नहीं है, ये एक क्वालिटेटिव बात है। मनोविज्ञान में भी देखिए, आधुनिक समय में कार्ल गुस्ताव जंग ने इस तथ्य को सामने रखा, इस कंसेप्ट को, और वो पूरी तरह स्वीकृत हुआ एनिमा एनिमस का। वो भी वही स्त्री पुरुष ऊर्जा की बात है। और भारत में हमने हमेशा से प्राचीन काल से एक प्रतीक लिया था, अर्ध नारीश्वर। अर्ध नारीश्वर में हमने यही दिखाया था कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर दोनों का समावेश है, स्त्रैणता का और पौरुषता का। एक है तर्क गणित की भाषा, एक्स्ट्रोवर्ट, और एक है काव्य कला और मृदुता की, जो सारी चीज़ें हो सकती हैं वो अतार्किक की तरफ जाने वाली सारी चीज़ें। तो ये दोनों का संगम है। अब व्यक्ति के भीतर हमको दोनों चाहिए। जैसे कि हम ये चुनाव नहीं कर सकते, जो लोग कहते हैं कि हमें मस्तिष्क या हृदय में से किसको चुनना चाहिए, सूत्र कहता है दोनों को शुद्ध होना चाहिए और दोनों को संतुलित होना चाहिए। क्योंकि जीवन में गणित भी चाहिए और जीवन में काव्य भी चाहिए, जीवन में तर्क भी चाहिए, जीवन में अतर्क भी चाहिए, जीवन में कठोरता भी चाहिए और जीवन में मृदुता भी चाहिए। द्वैत का जो सारा कार्य व्यापार है वो हमको चाहिए, उसी से जीवन आगे चलेगा, और उसमें संतुलन होना चाहिए, शुद्धता और संतुलन। तो मूल बात किसी चुनाव की नहीं है, मूल बात है शुद्धता और संतुलन की। व्यक्ति को अपने भीतर उतर कर सचेतन अवलोकन के साथ देखना पड़ेगा कि वो अपने विचारों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपनी भावनाओं के साथ कैसा व्यवहार करता है, वो अपने भीतर जो उसका बाहर जाने वाला व्यक्तित्व है, यानी जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, उसके साथ किस तरह का साहचर्य अनुभव करता है, और जो उसके अंदर ठहरने वाला अंतर्मुखी व्यक्तित्व है उसके साथ, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के साथ, उसके साथ कैसा साहचर्य अनुभव करता है। व्यक्ति के भीतर दोनों होते हैं, एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट। जिसकी प्रमुखता होती है उसको हम कह देते हैं कि ये एक्सट्रोवर्ट है, पुरुष ऊर्जा, इंट्रोवर्ट है स्त्री ऊर्जा। सूत्र इसी की बात कर रहा है। तो व्यक्ति के जीवन में देखा जाए संतुलन कब आएगा, जब वो बाहर जाने में भी सहज, सक्षम और कुशल हो, और भीतर जाने में भी सहज, कुशल और सक्षम हो। हमको एक ध्रुव की तरफ नहीं भाग जाना है। जैसे कई लोग होंगे जो ध्यानी हो जाएं तो उनकी क्या समस्या होती, कहेंगे मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। अब इतना ज़्यादा अकेले रहने से ग्रस्त हो जाते हैं, किसी से मिलना फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है, भीड़ में जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ये बीमारी में बदल गया। उसके विपरीत कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अकेले रहने में मुश्किल है, उनको भीड़ में ही रुचि है, भीड़ में ही रस है, उनको भागते ही रहना है। तो ये ऊर्जाओं के असंतुलन, सूत्र की बात समझें तो हम अपने इन दोनों व्यक्तित्वों को देखेंगे और हम दोनों में सहज होने की कोशिश करेंगे कि जब अपने साथ रहना हो अकेले तो अपने साथ अकेले रहें, जब बाहर जाना हो लोगों के साथ रहना हो तो जाएं और उसमें सहज रहें। ध्यानी व्यक्ति तो वही है जो एकांत में भी सहज हो और भीड़ में भी सहज हो, उसको किसी एक में अटकना नहीं है।
अगर इस बात को समझा जाए इस सूत्र को, तो हम समाज से भी स्त्री पुरुष के जो ये टकराव हैं उनको विदा कर देंगे। वो नहीं समझ आई इसीलिए टकराव है। स्त्रीणता की अपनी जगह है और पौरुषता की अपनी जगह है। किसी को किसी के जैसा नहीं होना है। अगर हम बाहरी तल की ही बात करें, स्त्री के भीतर जो स्त्रैण गुण है, पुरुष के भीतर जो पौरुष वाले गुण है, अगर हम बाहरी तल पर भी उनकी बात करें तो एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता में नहीं, उनका अपना अनूठापन है, उनका अपना अनूठापन है। दोनों शुद्ध हों, स्त्री शुद्ध स्त्री हो, पुरुष शुद्ध पुरुष हो, और दोनों एक संतुलन में साथ में रहें, तो सामाजिक समरसता, संबंधों में सरसता, ये सब भी हमारे जीवन में आ जाएगी। और अगर अपने व्यक्तित्व की बात करें तो अर्धनारीश्वर या यिन यांग का जो सिंबल है उसको स्मरण में ले आए। यिन यांग का देखिए प्रतीक क्या है, काले और सफेद दो एक वृत्त के बीच में विभाजन है और वो घूम रहे हैं, वो लगातार गति में है, डायनेमिक है। तो जीवन में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों का जो निरंतर परिवर्तित होता हुआ चक्र है उसमें संतुलन के साथ जीना, कोई चुनाव नहीं। भारत में हमने इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा इनको महत्व दिया, अक्सर उस पर साधना और ध्यान के संदेश और लोगों के लिए सुझाव रहते हैं। वो भी इसीलिए कि दोनों ध्रुवों को चुनिए, उनमें संतुलित रहिए। ये द्वैत में संतुलन का सुझाव है। तो किसी भी साधक को किसी अतिरेक में नहीं जाना है और किसी भी बात की निंदा में नहीं जाना और किसी बात की अतिरेक में प्रशंसा में नहीं जाना है। जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग गुणों की उपयोगिता होती है, तो जब जिस गुण की जहाँ पर उपयोगिता हो उसका उपयोग किया जा सके, ये शुद्धता और संतुलन होगा हमारे यिन यांग का, मैस्कुलिन और फेमिनिन ऊर्जाओं का, स्त्रैण और पुरुष ऊर्जाओं का। हमको बस अटक के नहीं रहना है किसी चीज़ में। हम स्त्रियों में भी उस पौरुषता की परिकल्पना कर सकते हैं, उनमें उस गुण को बढ़ा सकते हैं जब ज़रूरत हो, तो वो दृढ़ता, वो शक्ति, वो सारा उनके भीतर क्षमता होनी चाहिए। पुरुषों के भीतर भी हमें वो मृदुता, कोमलता, वो मातृत्व, उसको सिंचित करना चाहिए, उसको नरिशमेंट देना चाहिए, क्योंकि जब ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तो वो उसका भी उपयोग करें। दोनों के भीतर दोनों गुणों की आवश्यकता, और हर व्यक्ति के भीतर दोनों गुण हैं, उनको शुद्ध और संतुलित करना वही ध्यान है।